तो कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ये बागड़ बिल्ला की वीडियो एडिट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी बागड़ बिल्ला की, कि कैसे आप इस टाइप की वीडियो बना सकते हैं। तो वो वीडियो कुछ लोगों को समझ नहीं आई थी, तो इसीलिए आज हम इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये वीडियो कैसे बन सकती है। पहले आप यहाँ पर साइड में इसका इंस्टाग्राम अकाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बंदे ने भाई मिलियन में फॉलोवर कर रखे हैं। इसकी हर वीडियो में मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, जो कि इसने काफी कम समय में कर लिया है। तो इसी वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इस वीडियो को बनाकर, इस टाइप की वीडियो बनाकर आप यहाँ पर अपने अकाउंट पर रिच फॉलोवर कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा फॉलोवर भी हो जाएंगे और आपके व्यू भी आना शुरू हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम वीडियो इस टाइप की बना सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमें दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक है स्नैपचैट और एक हमारा यहाँ पर VN ऐप है, जो कि वीडियो एडिटिंग के काम आता है। आप कोई और सा भी वीडियो एडिटर ऐप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर स्नैपचैट को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको नीचे एक स्टिकर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करूँगे आपके सामने कुछ इस टाइप का हो जाएगा, आपको ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना है। जैसे आप यहाँ पर ऊपर की तरफ स्वाइप अप करोगे आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर आ जाएंगे। आपको लेकिन ऊपर की तरफ सर्च करना है आई एंड माउथ, आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आई एंड माउथ सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप के फिल्टर आ जाएंगे, लेकिन आपको इनमें से कोई सा भी फिल्टर नहीं लेना है। आपको नीचे की तरफ आना है थोड़ा, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आई एंड माउथ येलो कलर वाला। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये ले लेना है, और आपको जब वीडियो बनानी होगी आप इस पर बीच में यहाँ पर होल्ड करके रखना होगा आपको, तो सिंपली आपकी ये वीडियो बनने लग जाएगी। तो ये हमारी जो है वीडियो बन रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमारी वीडियो बन चुकी है। अभी आपको इसको जो है सेव करना पड़ेगा, जिससे कि गैलरी में आ जाए। तो यहाँ पर नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये वीडियो जो है हमारी सेव हो चुकी है। ये वीडियो हमारी अभी गैलरी में पहुँच चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आई एन माउथ सेव हो चुका है। स्नैपचैट का काम ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब जो है हमें यहाँ पर अपना VN को खोल लेना है। तो ये जो है हमारा VN ऐप ये रहा, तो अभी हम यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ये अभी हमारा ऐड आ चुका है। तो अभी यहाँ पर हमें अपना प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, जिस टाइप की हमें वीडियो बनानी है। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने कैट की ही वीडियो ले रखी है, अभी इस पे ही हम अपना आई एंड माउथ लगाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना आई एंड माउथ लगाने के लिए पहले आप कैट वीडियो ले ले। जैसे ही आप यहाँ पर इस कैट वीडियो को लोगे आपको देख लेना है कि इसमें कुछ खराबी तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में म्यूट कर देता हूँ इसकी आवाज़, क्योंकि कॉपीराइट भी भाई आ सकता है। तो सिंपली यहाँ पर ये हमारी वीडियो म्यूट हो चुकी है। तो जैसे हमें यहाँ पर फ्रेम, हमें यहाँ पर मतलब आई एंड माउथ अपना लगाना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको फ्रीज का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर इधर राइट एंड लेफ्ट करके देख लेना आप। तो यहाँ पर जो है ये रहा, यहाँ पर आपको एक फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको फ्रीज कर देना है जहाँ पे अपना आई एंड माउथ वीडियो के बीच में लगाना है। तो यहाँ पर ये फ्रेम फ्रीज हो चुका है हमारा। अभी जो है हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पर बड़ा कर लिया। तो फ्रेम फ्रीज कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली एक ये वाइट सी लाइन जो दिख रही है आपको, तो आपको इसको उस जगह रखना है जहाँ से अपना आपने फ्रेम फ्रीज करा था, या जहाँ से आपको अपना आई एंड माउथ लगाना है। तो यहाँ से हमने अपना फ्रेम फ्रीज करा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक गैलरी का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर जो है आपको थर्ड वाला ऑप्शन ले लेना है, और यहाँ पर फोटो एंड वीडियो पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी आई एंड माउथ की वीडियो ले लेना। तो यहाँ पर ये हमने अपनी आई एंड माउथ की वीडियो ले ली है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। और सिंपली आपको जो है नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रोमा का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है क्रोमा का ऑप्शन देख रहे थे, तो ये रहा हमारा क्रोमा का ऑप्शन। तो सिंपली आपको इस पर जो है क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपका यहाँ पर सिर्फ आई एंड माउथ बचेगा, और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो जैसे ही यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं, आपको सिंपली आपको इसको अपने आई एंड माउथ को सेट कर लेना है। तो ये वीडियो बनाने के लिए जो है हमारा थोड़ा सही नहीं बैठेगा अभी, तो जब आप वीडियो बनाओगे आप थोड़ा सा सही से एडजस्ट कर लेना। अभी मैंने फिलहाल ऐसे ही एडजस्ट करके यहाँ पर आपको आई एंड माउथ लगा दिया। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है पूरी बन के तैयार हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप हमारी वीडियो कुछ इस टाइप की बनी है। अभी इस पर साउंड नहीं है, क्योंकि मैंने कॉपीराइट की वजह से साउंड का म्यूट करके रखा है। तो ये हमारे ऊपर की तरफ कुछ लेयर फालतू हो रही थी, तो अभी जो है हम इसको ऊपर की तरफ से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको स्लिप करना है,
और ऊपर वाली लेयर को जो है डिलीट कर देना है। तो सिंपली हमारी यहाँ पर लेयर डिलीट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी ऊपर की लेयर डिलीट हो चुकी है जितनी हमारी वीडियो में फालतू हो रही थी, और ये हमारी अब फाइनल वीडियो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी फाइनल वीडियो बनके पूरी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर वीडियो हमारी यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है। आपको ये जो एंड में ब्लैक ब्लैक आ रहा है आपको इसको सिंपली डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारी ओरिजिनल वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो आप इसको कन्वर्ट करोगे आप यहाँ पर, मैं रेकमेंड करूँगा कि 1080p पर ही आप यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करो, और ये FPS जो है आपको 60 रखना है, और ब्राइट भी आपको हाई कर देनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो कर दीजिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब।